काल से मानव से ये कहा जाता रहा है कि अच्छा करो तब तुम अच्छे बनोगे। ये बात थोड़ी उल्टी लगेगी लेकिन सही होगा। पहले अच्छे बनो तब जो कुछ भी तुम करोगे वह अच्छा होगा, क्योंकि कर्म सत्ता से उत्पन्न होते हैं। तुम्हारा होना, तुम्हारी ईमानदारी ही मुख्य है, कर्म नहीं। अतीत में कर्म पर जोर देने के कारण लोग पाखंडी बन गए हैं। एक आदमी अच्छे काम कैसे कर सकता है जब भीतर वो सच नहीं है, जब उसके भीतर बुरा बैठा हुआ है? और अगर वो अच्छा काम करता हुआ दिखता भी है तो वो एक हिपोक्रेसी है, झूठ है। अंदर कुछ बाहर कुछ, वे सम्मानीय बन जाते हैं, उन्हें संतों के रूप में भी सोचा जाता है, परंतु अगर तुम उनके भीतर जाओ तो तुम्हें दिखेगा कि कुछ नहीं बदला है, वे वैसे के वैसे ही हैं। वे वही पुराने लोग हैं जिन्हें जंग लग गया है, जो सड़ गए हैं। वे प्रबंधन करते हैं, वे खुद को अनुशासित करते हैं, वे गुणों की खेती करते हैं और सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये करते हैं, वे करते हैं, लेकिन ये सब करना ही होता है। करना जो है बहुत सतह पे है, ये कभी केंद्र तक नहीं पहुंचता। और केंद्र की वास्तविकता ही असली मामला है। जब तक केंद्र नहीं बदलता, सभी परिवर्तन केवल सतही होते हैं, अधिकतम सजावट मात्र। ध्यान आपको भीतर से बदल देता है, आपको ऑथेंटिक, एक सच्चा व्यक्ति बनाता है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपसे अच्छा बहुत नेचुरली होता है। अच्छा काम करना नहीं पड़ता, अच्छा आपसे बहता है, वो आपका स्वभाव हो जाता है। तब आपके भीतर और बाहर में फर्क नहीं रह जाता। पहली बार आप इंटीग्रेट हुए, आपके अंदर एकता आई, आपका स्प्लिट नेचर खत्म हुआ, तब आपका कर्म आपके होने की छाया है। हमारा कर्म हमारे भीतर की अभिव्यक्ति है। यह हमें एक अधिक गहन परिवर्तन की ओर ले जा सकता है। जब हम अपने भीतरी स्वभाव को परीक्षित करते हैं, हमारे बाहर कर्म स्वाभाविक रूप से उस परिवर्तन को दर्शाते हैं। इसलिए अच्छा करने का विचार त्याग दो, अच्छा बन जाओ, क्योंकि बिना अच्छा हुए बाहर अच्छे से अच्छा कर्म जो है झूठा रहेगा, क्योंकि अभी तुम मौजूद नहीं हो। पहले हो जाओ, पहले अपने को जी लो, फिर तुम्हारे होने से अच्छा फलेगा।